प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जब से बनाए गए हैं सारा कमान उनके हाथों में है। बता दें कि आज बीजेपी द्वारा कार्य समिति की बैठक राजधानी पटना में हो रही है। किसान कानून जहां देखिए जो तस्वीरें देखने में पड़ रही है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में बीजेपी का कुनबा कैसे और बेहतर बनाना है, कैसे और मजबूत बनाना है, इस पर जो है मंथन चल रहा है। लगभग 700 डेलीगेट्स जो है इस कार्य समिति में शामिल हुए हैं। मंच पर देखिए किस तरह से आरसीपीजी जो हाल ही में ज्वाइन किए थे बीजेपी में वो मंच पर शिरकत किए हुए हैं। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी विजय कुमार सिन्हा है, नंद किशोर यादव है, राधा मोहन सिंह है, रेणु देवी हैं, अवधेश नारायण चौधरी अवधेश नारायण है, उसके बाद माफ कीजिएगा उसके बाद मंगल पांडे हैं, गंगाराम है, यानी तारकिशोर प्रसाद, तमाम जो बीजेपी के डेलीगेट्स हैं वह मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। वहीं बता दें कि भारी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वह इस कार्य समिति में शामिल हैं। हालांकि इस कार्य समिति की बैठक को लेकर कई तरह की चर्चा बिहार में किया गया, जिस तरह से ऊंचा ऑडिटोरियम में जो है बुक किया गया था, हालांकि सरकार के द्वारा आवंटन रद्द कर दिया गया। ऐसे में आनंद फानंद में किसान पैलेस में जो है कार्य समिति की बैठक चल रही है। हालांकि सम्राट चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने सरकार को चुनौती दी है और कहा है कि आज के बाद से अगर किसी का भी प्रोग्राम ऊर्जा ऑडिटोरियम में होता है तो मैं उसका जबरदस्त विरोध करूंगा। यही नहीं, जिस तरह से बीजेपी के ओर से यह भी कहा जा रहा था कि लोकतांत्रिक तरीके से जो है इसका विरोध करेंगे, हमें जगह नहीं दिया गया है, क्या बीजेपी से कहीं ना कहीं वह डर गई है महागठबंधन की सरकार, यही कारण है कि इन सब चीजों से जो है भयभीत है। लेकिन जिस तरह से सम्राट चौधरी जब से कमान संभाले हैं तब से कहीं ना कहीं बीजेपी का कुनबा जो है और भी ज्यादा मजबूत होने की कवायद जो है वह चल रही है। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री से लेकर बिहार में जो भी नेता हैं, जो भी विधायक हैं, जो भी एमएलसी हैं, जो भी महिला मोर्चा के भी हों, तमाम लोग जो हैं वह यहाँ पे मौजूद हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि किस तरह से देखिए सम्राट चौधरी जो है वह भाषण दे रहे हैं। वहीं बता दें कि जिस तरह से बीजेपी की ओर से लगातार अपने कुनबे को मजबूत करने के लिए हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है। सुशील कुमार मोदी जो राज्यसभा सांसद है, भाजपा के वरिष्ठ नेता, कई बार नीतीश कुमार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किए हैं। ऐसे में एक बार फिर से देखिए ये तस्वीरें पटना, जहां प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, जिसमें 700 डेलीगेट्स जो है भारतीय जनता पार्टी के इसमें शामिल हैं। देखने वाले विषय होगी कि आगे जिस तरह से कमान प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी संभाले हुए हैं, इसका क्या फलाफल मिलता है। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यह कहीं ना कहीं सबसे हटकर है, सबसे अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वह कड़ा रुख अपना चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऊर्जा ऑडिटोरियम जो है बीजेपी को नहीं दिया गया था, आनंद फानंद में किसान पैलेस को दिया गया और यहाँ पे कार्य समिति की बैठक चल रही है। बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, धन्यवाद।